ये चोर पुलिस के बारे में, पुलिस नाम लिखा है, साउंड कम करो ना। एक्चुअली ये कंसेप्ट ऐसा है कि जो हम लोगों का टैगलाइन है हर भारतीय का सपना, ये कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा भारत कैसे बना है। हम सब अंदर से कहीं ना कहीं चोर हैं, हमें मौका मिलता है चोरी का तो हम होशियार हो जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो चोर कहलाते हैं, चोर पुलिस। वही एक सरकास्टिक व्यू है हमारे इंडिया का, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है हर भारतीय का सपना, तो जो एक भारतीय महसूस करते हैं वैसा कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस नॉट पुलिस, पुलिस एक बहुत बड़ा पदवा होता है हमारे कहीं पे भी, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर। तो हमने पुलिस बोला है कि चोर अगर पकड़ा गया तो वो पुलिस हो गया, और नहीं पकड़ा गया तो वो होशियार हो गया। कॉमेडी सीरियल है या किस तरह का मैसेज वगैरह? हाँ, सरकास्टिक कॉमेडी है ये, कहीं ना कहीं एक द्वंद कसा गया है हमारे सिस्टम के ऊपर में। कलाकार की बात, कौन कौन कलाकार है, कुछ नामी कलाकार कौन कौन है इसमें? आपने अभी देखा है मेरे ख्याल से, आप सबने सीरियल पहला एपिसोड लॉन्चिंग देखी है, इसमें सारे अच्छे चेहरे हम लोगों ने लिए, स्पेशली दादी जी को जो लिया, दादी अम्मा को, वो इन चोरों की लीडर है। सब मूवी का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या किस तरह की चीज़ें लेके आना लोगों को? सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें ऐसा फील होता था कि जो कंटेंट चाहिए इंडियन टेलीविज़न पे, 18 साल से लेके 51 साल की उम्र के, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनको जो कंटेंट चाहिए था वो कंटेंट नहीं मिलता था, तो प्रॉपर कंटेंट के साथ हमने आने की कोशिश की है। सास बहू वगैरह भी होंगे इसमें? हाँ होगी, पर उसका व्यू अलग होगा। हमारा सास बहू की हम वो तानातानी और खींचातानी भी अगर दिखाएंगे तो एक कॉमेडी के फॉर्म में दिखाएंगे। इस तरह के सीरियस, कोई सीरियस वगैरह नहीं, कुछ सीरियल का? हाँ इस नहीं, हम फैमिली ड्रामा भी हमारे पास है, पर हमारा कंसेप्ट ही बहुत अलग। थैंक यू सर। ओके, 7 तारीख को जो आपका चाहिए शो चोर पुलिस हमने आज लॉन्च किया। मुबू टीवी की कामयाबी के पीछे आप सभी लोगों का हाथ है, आप कलाकार लोग का, प्लस हमारे सबसे बड़े हमारे दोस्त, मीडिया वाले दोस्त जो हमें इस मुकाम पे पहुंचाते हैं और हमारी हर खबर दूसरे प्रेक्षक तक पहुंचाते हैं और एक अच्छे मुकाम पे लेके जाते हैं कि हाँ ये चैनल के अंदर कुछ नए नए शो आ रहे हैं। आपने जैसा, आप लोगों ने तो चोर पुलिस के अंदर बहुत सारी मेहनत की देखा हमने, और इसी प्रकार के हमारे अलग अलग जो शोज है सभी एक से एक हटके शो है हमारे। जैसे कि आपने अभी उनका भी ट्रेलर देखा, यहाँ पर प्रोमो देखा, रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज, जो स्कूल की कहानी है। हर लोग कहीं ना कहीं उस स्कूल से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इस कॉलेज से जुड़े होते हैं। ये स्कूल की कहानी है, इसके अंदर कॉलेज का भी पार्ट है, स्कूल का भी पार्ट है, और एक युवा अवस्था, यंग अवस्था, वृद्धावस्था पे तक भी हम लेके गए हैं। जो अजब सास की गजब बहू, जो आजकल जो टीवी में चलता है सास बहू का रोना धोना वाला, ये शो नहीं है, ये सब कुछ हटके है। वो भी आपने देख ही रहे होंगे, अभी एक प्रोमो भी देखा आपने उसके अंदर भी, के नोक झोंक की कहानी है। सास बहू छोटे मोटे नोक झोंक चलते हैं, लेकिन दिल उनके मिले हुए थे, और एक ही छत के नीचे साउथ इंडियन बहू है, पंजाबी सास है, एक गुजराती फैमिली है, और उसी के अंदर एक महाराष्ट्रियन फैमिली भी है। मतलब हर प्रकार का, हर फ्लेवर यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में हमने हमारा एक दूसरा शो है गुजरात भवन, जो गुजरात के कल्चर की बात कहता है। रोजमरिंदा जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि सवेरे हस्बैंड घर से निकलता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीवी पूछती है, शाम को खाना क्या बनाएंगे, खाना क्या बनाओ। ये सारा प्रॉब्लम के छोटे मोटे हंसी खुशी से ये प्रोग्राम के अंदर बताया गया है, उनके अंदर कल्चर भी बताया है। उसके अलावा हमारा प्रोग्राम क्राइम बेस्ड प्रोग्राम भी था हमारा, अभी नई तरीके से और क्राइम बेस्ड नया प्रोग्राम आ रहा है, और बाकी सबसे बढ़िया प्रोग्राम हमारा है आज देखा जो आपने, चोर पुलिस। तो दूसरे जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है उसी के लेवल, उससे भी आगे हमें जाना है, आपका सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। तो ये थी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री नरसिंह वसानी जी की जुबानी, और जैसे कि हर भारतीय के सपने की पूर्ति मुबू टीवी के माध्यम से आई एम वेरी श्योर सफल होने वाली है, तो इसीलिए जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन फॉर सच अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ कोर्स ऑफ मुबू टीवी। इसी के साथ मैं जिस शख्स को मंच पे बुलाना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहते हैं, थैंक यू नरसिंह भाई, अगर आप भी प्लीज आ सकते हैं।
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश धीर जी को और मुकेश शाह जी को, एक बड़ी तालियां, क्योंकि एक चैनल के साथ, एक बड़े चैनल के साथ जुड़ना, एक बड़े चैनल के साथ जुड़ना और उसके साथ काम करना, जब हम नए थे फील्ड में, इन्होंने पार्टनर नरसी सर का, क्योंकि इन्होंने भी जब शुरुआत हम लोगों ने की थी तो इन्होंने हिम्मत की थी कि नहीं एक जीसी, क्योंकि एक जीसी सेक्टर में आना, स्पेशली इंटरटेनमेंट के सेक्टर में आना, लेकिन उस कंटेंट से शायद हम लोग दोनों लोग खुश नहीं थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक एंटरटेनमेंट चैनल करेंगे, इन्होंने शुरुआत की थी। थैंक यू सो मच सर। Now I would like to request the directors and the DOP of the serial to please come up on the stage. Rahul and the writer, please stage pe aaiye. Ashok ji, for such a wonderful writing, jo bhi aapne dialogues sune, dekhe, thank you. DOP and the director, Mr. Rahul, he is a very good person. Aur ab main invite karna chahunga sare artists ko, please. आप लोग स्टेज पे आइए। आर्टिस्ट ऑफ जोर प्लीज, एक बार कलाकारों के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोगों की मेहनत है, इनकी वजह से हम स्क्रीन पे, इनकी वजह से हमारे चैनल की टीआरपी ऊपर जाती है। थैंक यू ऑल एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम फॉर सच ए वंडरफुल एसोसिएशन। मैं आसिफ जी को बुलाना चाहती हूँ। आसिफ सर प्लीज आप भी आइए, प्लीज कम। आपको कैसे हम भूल सकते हैं ऐसा भाई। आप ही ने तो मेरा पाका पाकी जान के हमसे निकलवाया इन्होंने। नहीं नहीं राहुल, नहीं राहुल जी तो मतलब मास्टर, मतलब हमको डांट, वो डांटते का ना आप। आसिफ, आसिफ थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष। एंड जितने भी हमारे मीडिया के बंधु आए हैं और जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, और कोई अगर प्रियू मुझसे छूट गया हो, वहाँ कंसोल पे बहुत से लोग। And last, I would like to invite Mr. Vaibhav Rawat. Please have a seat right here. इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं वैभव। विशाल, विशाल, विशाल ये चैनल की आवाज है, आना ही पड़ेगा आपको, है ना? प्रोडक्शन से इधर जितने भी हैं ये बस बोलो। सुहास जी, जय, प्लीज कम, प्लीज कम। जय, दीपक जी आइए, प्लीज कम, आइए आइए। ओके, थैंक यू ऑल। मुकेश जी, मुकेश शाह जी को छोड़ के बाकी लोग अपने अपनी पोजीशन ले लीजिए। थैंक यू ऑल। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये है यू नो हमारी स्टार कास्ट एंड द पीपल बिहाइंड आर सक्सेसफुल ऑफ कोर्स शो। भले ही आज पहला एपिसोड का टेलीकास्ट था, लेकिन इनकी एक्टिंग और ये लाइट दो ना रे। चोर पुलिस की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे को, मेरे पास जो है अशोक जी परमार है, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने एक छोटा सा कंसेप्ट सुनाया था मुझे, और दो मिनट के लिए उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है। उनकी सुनाने का जो तरीका था, एक मिनट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें मुझे बननी है, मुझे बनाने की कोशिश करनी चाहिए ये चीज़ के अंदर, और उन्होंने वो चीज़ स्क्रीन प्ले के साथ में मुझे कुछ एपिसोड भेज दिए। मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ बन रही है और मैंने वो चीज़ चैनल में मेरे एक चोर पुलिस टाइटल लेके सीरियल का स्टार्टअप करवाया। तो सबसे पहले स्टार्टअप के लिए अशोक जी का थैंक्स रहेगा, और मूवी टीवी की तरफ से अशोक जी के बाद मनीष श्रीवास्तव जी हैं और नरसी बसानी जी हैं। मेरे चैनल एंटरटेनमेंट का जो फॉर्मेट है, आपको सारे चैनल हैं, जितने चैनल इसी चैनल से उसके अलावा भी होगा, क्योंकि जो कॉमेडी का तड़का है, हर फ्लेवर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के साथ में आपको अलग अलग देने के लिए हमने ये चीज़ रामबाबू मिलेगा ना कॉम्पनी मार्केट कॉम्पनी सर।
ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने को कॉम्पिटिटर हर साथ में लेके चलने की बात करें। मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, मैं मेरी चीज़ें हैं, मैं मेरे ऊपर उतनी काबिलियत है जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से लेना है, कॉम्पिटिटर नहीं। एज ए सी यू सबसे पहले है कि वासुदेव का मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा, श्री वसानी जी है कि जिन्होंने इतनी बड़ी एक प्राइवेट लिमिटेड और एंटरटेनमेंट चैनल को सी ओ बना के मुझे यहाँ पर खड़ा किया। मेरा बैकग्राउंड बहुत 15-20 साल से मैं मीडिया लाइन से बस एंटरटेनमेंट में भी रह चुका हूँ, बट ये जो कॉर्पोरेट वाला जो चीज़ है ये बहुत ही हमारा हम आप लोग हैं, जैसे आप लोग आर्टिस्ट और उनके पीछे आते हैं, हमको कहीं प्यार मिलता है, कहीं कुछ चीज़ें मिलती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा जो सफ़र है यहाँ तक का, आई थिंक मैं मेरे चैनल और मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बहुत थैंक्स करूँगा। और सीईओ की बात करूँगा तो जब सीरियल और कंटेंट तो मैं खुद अपने पास से वो परखता हूँ, उसको देखता हूँ कि किस लेवल पर इसको लेके जा सकता हूँ, कुछ चीज़ें चेंजेस है, चैनल की कंपैरिजन की बात नहीं करूँगा, ये कंटेंट जो है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे बहुत सारा मजा है और बहुत प्लेसमेंट मिल रही है लोगों की कि आप एक कम समय में इतने चीज़ों पर और एक सीईओ के पोस्ट पर आके खड़े हैं। तो मूवी के लिए क्या क्या असर होगा कि हाँ मूवी का नाम तक नाम आ जाए, जैसे कि आज कहते हैं चार वर्ष है जी है, वैसे मूवी का नाम भी लोगों तक आ जाए, क्या किया जाए? सर 6 महीने में एक जीएसी चैनल आप लोग यहाँ पर हो और जो रन कर रहा हूँ, इसकी सक्सेस पार्टी मैं दे रहा हूँ कि 6 महीने में 5वीं सीरियल ऑन एयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये एक छोटी सी चीज़ है, धीरे धीरे हर चीज़ को समय लगता है, आप लोगों की बदौलत और बाकी दर्शक तो सबसे बड़ा मतलब दर्शक ही है जो हमको ऊपर तक लेके जाएंगे। सारे कॉमेडी मतलब कार्यक्रम भी होंगे कुछ अलग भी कुछ कॉमेडी सब अभी फिलहाल के लिए हमारा कॉमेडी आ रहा है, बट उसके अंदर आपका रिटर्न ऑफ स्कूल डेज जो हमारा कंटेंट जो है आपको सारे चैनल के अंदर ये चीज़ जो है और जितने भी जी सी चैनल है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कंटेंट हाइप करके चला जाएगा जस्ट 1-2 महीने के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा आपको आपके स्कूल से लेके आपके प्रोफेशनल लाइफ का ये चैनल जो ये स्कूल डेज है वो आपको हाइप करेगा और आपके दिल को चोर पुलिस इसके लिए कि हमारे सीरियल में पुलिस जो है उसको हमारी फैमिली हमेशा पुलिस बना देती है और वो जब भी पकड़ने को आती है तो वो पकड़ नहीं पाती है, इसलिए हमने स्पेशली इस शो को चोर पुलिस नहीं चोर पुलिस रखा है। सबसे पहले तो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर अम्मा जी के लिए हमने प्रतिमा जी को सोचा था और हमने किसी और का इसमें नाम नहीं रखा क्योंकि एक फेस होता है, एक कैरेक्टर होता है जो आपके आपके दिमाग में छप जाता है, हमने उनके अलावा उस चीज़ को कहीं देखा नहीं, तो हमने प्रतिमा जी से बात की, हमने उनको कन्विंस किया एंड थैंक्स टू हर कि शी केम ऑन द शो एंड बाकी उनके फैमिली के दिखने जैसे जो लोग होने चाहिए उसके हिसाब से मैं बेटों का चयन किया, उनके विपरीत जो बीवियाँ हैं उनकी वो सब अलग अलग तरह की हैं तो उनके विपरीत हमने उनको चयन किया एंड लकीली हमें हमारी कास्ट मिल गई विच इज वेरी गुड, थैंक यू। सर को फॉर बोलना ये सर को फॉर बोलना ये बेसिकली ये था कि एक नौकर का कैरेक्टर है, थोड़ी सी कॉमेडी एलिमेंट लाने के लिए भी और एक एक मुझे लगता है एक यूनिकनेस आती है जिस चीज़ में कि एक नौकर अगर थोड़ा सा डम और थोड़ा सा अगर कुछ अलग अतरंगी करता है जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं अतरंगी करता है तो लोगों को अच्छा लगता है, ये सिर्फ एक 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 प्लांट हमने किया था इस चीज़ को लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी वर्क कर रही है। कॉमेडी कई प्रकार होते हैं जैसे कि स्टार कॉमेडी होती है, वल्गर कॉमेडी होती है, नहीं ये बिल्कुल ही पारिवारिक कॉमेडी है, मैंने इसके पहले जितने भी शोज किए सब पारिवारिक किए हैं, अगर हमने चिड़ियाघर का नाम सुना होगा चिड़ियाघर मैंने कम से कम 5.5 साल किया है, हम गंदी कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी में बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फैमिली हमारी फैमिली साथ में देखें, मेरे भी बच्चे हैं मैं चाहता हूं कि मेरा शो मेरे बच्चे देखें, तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे ये रहता है कि भाई प्लीज़ शो गुड कॉमेडी बिकॉज अच्छी कंटेंट से और अच्छी कॉमेडी से भी कॉमेडी होती है, ऐसी बात नहीं कि वल्गर करना जरूरी है। थैंक यू सो मच।